Filmmaker Subhash Ghai says his upcoming short film named Gandhi, A Perspective is an unbiased effort. इस फिल्म में गांधी जी के बारे में जितने भी यंगस्टर्स के, नौजवानों के और कुछ लोगों के सवाल हैं और जिनको शुबा है, शक है गांधी जी की सफलता पर या उनकी यात्रा में, उस सब चीज़ों के जवाब दिए गए हैं। और मैंने जब ये सब्जेक्ट चुना कि मैं एक 30-35 मिनट की एक फिल्म बनाता हूँ गांधी जी की, तो सबसे पहले मेरा कर्तव्य था एज ए राइटर कि मैं इसको निष्पक्ष तरीके से सोच के गांधी जी की पूरा रिसर्च करके मैं बनाऊँ। तो गांधी जी के बारे में तो मैं पढ़ता रहा, जानता भी था इतने सालों से, लेकिन जब ये फिल्म बनाने का, लघु फिल्म बनाने का चांस मिला तो मुझे लगा कि मैं एक फीचर फिल्म बना रहा हूँ। तो इतना रिसर्च तो हमने फीचर फिल्म में नहीं किया होगा, क्योंकि इसका सच्चाई से, ट्रुथ एंड फैक्ट से बहुत ताल्लुक था। सेड घाई एट स्पेशल स्क्रीनिंग ऑफ द फिल्म इन मुंबई। Ghai's last feature film was Kanchi the Unbreakable in 2014. The film starred Karthikeyan and Mishti. Sharing his reason for not directing a film over the past few years, Ghai said, 2015 के बाद मैंने फिल्म नहीं बनाई। उसकी वजह ये भी थी क्योंकि मुझे व्हिसलिंग वुड्स की एक बहुत सी समस्या थी जो मुझे सॉल्व करनी थी। तो जो मैंने इतना बड़ा इंस्टीट्यूट बनाया है व्हिसलिंग वुड्स, जिसमें मैंने इतना जिंदगी का सब पैसा लगा दिया, एक्सपीरियंस लगाया, तो उसको एक जब उस पर अदालत के काले बादल छाए तो उसमें मेरा एक बहुत संघर्ष था, उसमें 3-4 साल मेरे निकल गए। तो इसलिए मैं ऐसी फिल्म नहीं बनाना चाहता जिसमें कि मैं लोगों को निराश करूं। फिल्म वो बनाएं जिसमें लोगों को कम से कम अच्छा लगे और मैं कुछ दे सकूं। अभी इस साल मैं फिल्म शुरू करूँगा, आपके सामने जल्दी आएगी और मुक्ता आर्ट्स के अंतर्गत हम लोग दो पिक्चरें प्रोड्यूस भी करेंगे। Subscribe to our channel. Just click on the bell icon for all the latest updates.